नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देश में हार्ट अटैक के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी हां, पिछले कई दिनों से एक के बाद एक तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई वीडियोस सामने आ चुके हैं जिसमें हार्ट अटैक की वजह से लोग जान गंवा रहे हैं। हर उम्र में हार्ट अटैक की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर तमाम तरीके की चर्चा हो रही है और आज हम भी इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या ख़राब लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, ये वजह हो सकती है, या फिर अल्कोहल स्मोकिंग पैसिव स्मोकिंग वजह हो सकती है, या कोविड एक मेजर वजह है बढ़ते हार्ट अटैक की, क्योंकि हार्ट अटैक अब हर उम्र में हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा, कहीं ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे कि जिम में वर्कआउट करते करते लोगों की जान चली गई। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें जो लोग हैं स्टेयर्स पर चढ़ रहे हैं और अचानक नीचे गिर जाते हैं, तो कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि जागरूक होना ज़रूरी है, अवेयरनेस फैलना ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़ गए हैं जो कि नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, सीनियर एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। सर, आपका मैं बहुत स्वागत करती हूं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। नमस्कार सर। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि देश में जो हार्ट अटैक के मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, अक्सर ये माना जाएगा जब कोई ऐसी दुर्घटना होती है, पिछले कुछ समय में हमने भी ऐसे कई केस सुने हैं, कोई गुजरात के आनंद में बकायदा कोई रामलीला पार्ट प्ले का कोई कुछ ऐसा हुआ था कि कोई दांडिया चल रहा था, ऐसा हो गया जी। और सुना था कि एक हमारे एक एक्टर भी सिद्धार्थ थे, वो भी सुना था कि ऐसी एक अक्सम इसको बोला जाता है सडन कार्डियक डेथ, या इसका कारण जो माना जाता है वो होता है सडन कार्डियक अरेस्ट। लेकिन मेरा मानना है कोई भी चीज इस दुनिया में सडन नहीं होती एक्सेप्ट एक्सीडेंट के अलावा, तो कोई ना कोई कारण ऐसे पहले से पैदा हो चुके होते हैं जो कि हमें पता नहीं चलते। फॉर एग्जांपल, क्या एक अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, बाहर से किसी को नहीं पता। एक अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन का पेशेंट है, बाहर से किसी को नहीं पता। डिसलिपिडीमिया यानी कि कोलेस्ट्रॉल हाई चल रहा था, किसी को नहीं पता। मान लिया जाए, अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि कोरोना भी कोई पिछला कोरोना का अटैक इन चीजों में कंट्रीब्यूट कर रहा है नहीं कर रहा, ये एक शक सा रह गया है, बट वो भी एक कारण हो सकता है। इसके ऊपर होता है जो हमारा अल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग या कोई ड्रग्स का इनटेक। और इसके ऊपर एक चीज होती है जो हम सब में से किसी को दिखती नहीं है, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज वन थिंग जो किसी को पता नहीं चलती, अंदर अंदर नुकसान कर रही होती है। तो आम आदमी जो सोचता है भाई एक आदमी जो डांडिया कर रहा है वो खड़ा खड़ा कैसे गिर गया, एक आदमी जो जिम में वर्कआउट कर रहा है खड़ा खड़ा कैसे गया, लेकिन अंदर न अंदर कोई वजह चल रही होती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं आजकल जमाना है, हर इंसान ऑलमोस्ट 25-30-35 साल के बाद हर हिंदुस्तानी को अपना कोई ना कोई कुछ ब्लड टेस्ट या कुछ हार्ट स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए ताकि ऐसी जो बेवजह या अकस्मात मौतें होती हैं उनसे वो बच सकें। अगर मेरे विचार में अगर ये कर लिया जाए तो जैसा हमें देखने को मिलता है, आम आदमी डर जाता है भाई दानिया थोड़ा बंद कर देगा, वो रंगला में कोई एक्टर बनना थोड़ा बंद कर देगा, वो जिम थोड़ा बंद कर देगा। कहने का मतलब, अगर हम चाहते हैं कि जिंदगी बराबर चलती रहे तो कुछ न कुछ अगर हम पहले से अपनी कार्डियक स्क्रीनिंग या ब्लड स्क्रीनिंग कुछ एसेंशियल टेस्ट करवा लेंगे तो इन अकस्मात मौतों से बचा जा सकता। सर, यानी कि जो हमारा बदलता लाइफस्टाइल है वो मुख्य कारण हो सकता है इसका, और यही हमारे दिल को कमजोर कर रहा है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के मामले ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अब हर उम्र में हम देख रहे हैं हार्ट अटैक के मामले। इसमें बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये आपने बड़ा अच्छा पूछा है। आज से तकरीबन 4-5 डिकेड पहले ये माना जाता था कि हार्ट प्रॉब्लम्स तो ऑलमोस्ट 50-55-60 के बाद ही शुरू होंगी, लेकिन ऑफ लेट वी हैव सीन लॉट्स ऑफ डेथ्स इन यंग्स आल्सो। तो कहने का मतलब लाइफस्टाइल तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है ही है। बैड लाइफस्टाइल में सब कुछ आ जाता है। बैड स्टाइल में सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी आ जाती है, बैड लाइफस्टाइल में स्ट्रेस भी आ जाती है, बैड स्टाइल में जो हम बहुत ज्यादा ये जंक फूड वगैरह खाते हैं या बहुत ही स्पाइसी खाने खाते हैं या अल्कोहल लगते हैं या स्मोकिंग या लेते हैं या टोबैको च्यू करते हैं, ये
ये सब उसमें शामिल हो जाता है। तो नो डाउट ए बैड लाइफ स्टाइल विच इज मेनली आई वुड से लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मेरे विचार में सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा जो बाकी चीजों को जिसको कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते। नो डाउट पर्सन शुड ऑलवेज अल्कोहल इज नॉट ए मस्ट, अल्कोहल बहुत बढ़ता जा रहा है यूथ में, स्मोकिंग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इवन स्मोकिंग इन गर्ल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो कुछ इसके अलावा मादक पदार्थ परहैप्स एक बहुत बड़ी चीज है जो ये बच्चे आजकल जो कोकेन और चरस और मारिजुआना ये चीजें लेते जा रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं बुरा असर जरूर आ रहा होता है। जो हमें लगता है कि बाहर से तो आदमी ठीक ठाक लग रहा है, अंदर क्या कुछ हो रहा है पता ही नहीं है। इसके अलावा कार्डिक बीमारियां भी हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी है जिसको कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद तब जो हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं, जो कि बहुत ही अननोन फैक्टर अभी तक माना जा रहा है, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि जेनेटिक कारण भी हो सकता है दिल का कमजोर होना। इसके अलावा हम इसका ध्यान कैसे रखें, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसमें शामिल हैं जिनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है, आम जनता तो शामिल है ही। इसके अलावा देखिए, सेलिब्रिटीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को लेकर मेंटेन रखते हैं, अपने आप को अच्छा खान पीन तमाम चीज़ें, लेकिन अवेयरनेस फिर भी कम है, ये हम देख रहे हैं। अवेयरनेस कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे हम ध्यान रखें, सिम्टम्स कैसे होने चाहिए, कैसे पता लगे कि हमारा दिल जो है वो कमज़ोर हो रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि जब ऐसी घटना एक भी घटती है और वो मीडिया या सोशल मीडिया में आ जाती है या प्रिंट मीडिया में आ जाती है तो एकदम दहशत सी हो जाती है कि यार कल मेरे साथ ना हो जाए। तो इतना मुश्किल नहीं है कि इन सबको कंट्रोल करना। आपका ये पूछना कि जैसे सेलिब्रिटीज हैं, एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो जाता है, कहने को वो अच्छा मेंटेन कर रहे होते हैं, बट नो डाउट कहीं ना कहीं इनटेक ऑफ अल्कोहल, इनटेक ऑफ स्मोकिंग, इनटेक ऑफ अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेज, हैबिट सब्सटेंसेज, इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर कि जो एक स्ट्रेस होती है, जो कोई होड़ होती है, होड़ का मतलब कि मुझे दूसरे से आगे बढ़ना है, तो ये सब चीजें हैं, प्लस टेंशंस, मेरी फिल्म चली नहीं चली, मेरा ये काम अच्छा हुआ नहीं हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये अनडिजायरेबल चीजें हैं जिसको कि हमें कहीं कहीं कंट्रोल करना चाहिए। तो कुल मिला के आज भी अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या अच्छा इंसान करे जो ऐसी अकस्मात घटना ना हो, एक ही बात, नंबर वन अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा, स्मोकिंग बहुत ज्यादा ना कीजिएगा, अल्कोहल बहुत ही लिमिटेड इंटेक कीजिएगा, अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को कोई योगा या मेडिटेशन कीजिएगा, इसके अलावा जो ये चीजें हैं जो हम जंक फूड ना खाना और अपना फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना। फिजिकल फिटनेस का मतलब यस डेली कम से कम 50 मिनट की आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, अगर आप तेज चल रहे हैं वगैरह तो ये आप इन चीजों को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कहेंगे कई ऐसे लोग हैं जो कहने को भी फिट हैं, अल्कोहल भी नहीं ले रहे, हाँ उसमें कहीं ना कहीं जेनेटिक हिस्ट्री भी छुटपुट काउंट करती है, लेकिन जेनेटिक हिस्ट्री का बहुत ही कम खेल है, ज्यादा खेलिए इन चीजों का है जो मैंने 4-5-6 फैक्टर बताए हैं, इनको हम कंट्रोल कर लें तो मैं समझता हूँ काफी हद तक हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा हमने देखा है कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जागरूक नहीं होते, अवेयर नहीं होते अपने दिल के बारे में कि उनका दिल कमज़ोर हो रहा है, उनका दिल जो है वो उतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो ख़राब खान पान हो, जंक फूड हो, बाहर का ऑयली खाना हो, या फिर जो घर में भी हम इनटेक कर रहे हैं वो भी उतना ज़्यादा सेफ़ नहीं होता है कई बार, क्योंकि हम तेल मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो बाहर से कोई भी दवाई खा ली डॉक्टर की सलाह के बिना, तो उनको अवेयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा रीजन हो सकता है हार्ट को कमजोर करने का। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इंडिया में डिस्पाइट हमारी हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारा हेल्थ अवेयरनेस भी कम है, उस समहाउ हम हेल्थ पे थोड़ा ध्यान भी कम देते हैं, मतलब कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो काफी कम है। तो इन लोगों के लिए मेरा एक ही सुझाव है, आप डरे नहीं, आजकल 30-35 साल की उम्र बाद अपने दिल पूरी ब्लड की स्क्रीनिंग करवाइएगा, जिसमें कोलेस्ट्रोल्स, ब्लड शुगर, होमोसिस्टिन वगैरह देखी जाएं। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है या नहीं भी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, वो आपको लगता है मुझे कुछ ऐसा ना हो, तो अपना एक ECG और इकोकार्डियोग्राम करवा के पहले रखिएगा। अगर ये कुछ चीजें आप ध्यान रखेंगे तो एकदम ऐसा नहीं होगा। देखो एक चीज होती है बैड लक, एक होती है, देखो
अगर बिजली गिरती है तो वो बैड लक नहीं होता, वो तो बैड लक ही है। बैड लक का मतलब आज बिजली गिरी मैं मर गया, छत गिर गई मैं मर गया, नथिंग। बट ये जो ये चीजें हैं जिनको कि हम अगर आसानी से जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, अगर इन कंट्रोलेबल फैक्टर्स को हम कंट्रोल में रखेंगे तो ऐसा झटका लगने के चांसेस मैं निल तो कभी भी नहीं कह पाऊंगा और लेकिन काफी कम हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी डेथ हो गई, जो कहने को अपेरेंटली ठीक ठाक थे, एकदम कोई दर्द सा हुआ, डेथ हो गई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनको पहले कुछ अंदर नहीं हो रहा था, उनको कुछ अंदर हो रहा था जो डिटेक्ट नहीं हो पाया था, जो टाइम भी डिटेक्ट हो जाता तो वो जान बचाई जा सकती। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक और चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगी, हम लगातार कहते हैं कि एक अच्छा वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, लेकिन कई बार ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जो कि आपने कहा कि दहशत का कारण बन जाते हैं, वो बने हैं, जिम में वर्कआउट करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ गया। अगर हम मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की बात करें तो वो जिम में ही वर्कआउट कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें अटैक आया और अब वो हमारे बीच नहीं है। तो उसको लेकर हम क्या, ओवर एक्सरसाइज करना गलत है या गलत तरीके से एक्सरसाइज करना गलत है, क्या वजह हो सकती है? देखिए कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज आल्सो। मैंने देखा है कि कई ऐसे यंग मैंने बच्चे देखे हैं जो कि इतनी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक लेते हैं, हार्मोन्स तक के इंजेक्शन लगवाना शुरू कर देते हैं। राजू श्रीवास्तव जी की बात की, नो डाउट ही वॉज 58 ईयर्स ओल्ड, बट ये कोई मरने की उम्र नहीं है। आपके इंडिया का जो लाइफ स्पैन सिस्टम 65-70 तक जा चुका है, तो उसको देखते हुए शायद कहीं जो हमें एक चीज जो मारती है वो स्ट्रेस और ओवर डू ऑफ एनीथिंग, ओवर किल, जो हमारी ये भावना है ना ओवर किल, जो आजकल कहते हैं जिंदगी में अगर सफल होना है तो हर आदमी ओवर किल के मूड में रहता है, तो ये ओवर किल है। इन माय ओपिनियन ओवर किल इज आल्सो ए वेरी बैड फैक्टर। तो कहीं ना कहीं लाइफ में एक मॉडरेशन लानी चाहिए, हर चीज मॉडरेशन में कीजिएगा, हर चीज। ये नहीं कि आप 6-6 घंटे फिटनेस पे टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, आप एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स ले रहे हैं, एक्सेस ऑफ एंड्रोजेनिक हार्मोन्स ले रहे हैं, वो सब गलत है। तो आई थिंक प्लस थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होना, वो हर इंसान इंडिया में आज भी, चाहे इकोनॉमिक चाहे पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से लोग बाग डॉक्टर के पास जाना बहुत कम पसंद करते हैं। वी शुड गो टू द डॉक्टर मोर ऑफन, गेट आवर स्क्रीनिंग्स डन, हार्ट स्क्रीनिंग्स डन। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे हिसाब से कई मौतें बचाई जा सकती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में एक खास मैसेज मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को दें ताकि वो भी अवेयर रहें और दूसरों को भी अवेयर करें। एक ही मैसेज, हार्ट हमारे शरीर का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और सडन कार्डियक अरेस्ट जो ये अकस्मात वाला कारण से बचने का एक ही तरीका है कि आप कॉन्शियस रहें, आप अपना हर चीज मॉडरेशन में कीजिएगा, अपने डाइट का ख्याल रखिएगा, एक्सेसिव अल्कोहल, मोर ऑफ स्मोकिंग अवॉइड कीजिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डॉक्टर के टच में रहिएगा, वो अपना जो एक ब्लड का स्क्रीनिंग टेस्ट और हार्ट की स्क्रीनिंग टेस्ट हमेशा समय पर करवा लीजिएगा ताकि आप ऐसी किसी भी चीज से हादसे से बच पाए। सर दर्शकों का एक सवाल है कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो युवा हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनमें अल्कोहल का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है, स्मोकिंग का चलन बहुत ज़्यादा है, पैसिव स्मोकिंग का शिकार, जो नहीं स्मोकिंग करते, अल्कोहल नहीं लेते, वो हो रहे हैं। तो ऐसे में मतलब किस तरीके से अपने दिल का ख्याल रखें? देखिए ये चीज़ें तो अवॉइड करनी ही हैं, इसके अलावा कब हमें पता चले कि हमारा दिल जो है वो परेशान हो रहा है या वो कमजोर हो रहा है, कब उसको इलाज की जरूरत होती है, कब से हम इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, या पहले से ही अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए खाने पीने में किस तरह की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए आम जो यूथ को मेरी सलाह है, आजकल का यूथ बहुत ही निडर बन गया है, बहुत ही दबंग बन गया है, और बहुत ही अनटूवर्ड वेवर्ड बन गया है। क्या मतलब, जो हम फिल्मों में देखते हैं वही बच्चे बन जाते हैं, बहुत ज्यादा डांस करना, बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लेना, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना, विच इज बीइंग, आप ध्यान से देखिएगा, फिल्मों में खुलेआम प्रमोट हो रहा है। उससे लगता है कि ये स्टाइल स्टेटमेंट है, जो बच्चा समझेगा कि मैं दारू नहीं पीता, मैं सिगरेट पीता, मैं पिछड़ गया जिंदगी में। तो ये गलत मैसेज आम जनता को जा रहा है। हमारे हिसाब से हमें इस चीज को ठीक करना चाहिए, और आम बच्चों को या बच्चों के परिवारों को मैं इतना ही कहूंगा, ऐसा डरिएगा नहीं, हर चीज मॉडरेशन में करिएगा। अगर आप अल्कोहल ले भी रहे हैं, सोशल ड्रिंकिंग कर भी रहे हैं, या सोशल स्मोकिंग कर भी रहे हैं, तो इसको बहुत ही मिनिमल रखिए। प्लस होड़ में जो
जो वक्त की होड़ है, जो आजकल की होड़ है जी, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, मैं उससे ज्यादा अच्छा कर जाऊं, मैं उससे ज्यादा कमा लूं, मैं उससे ऊंचा उठ जाऊं, तो ये हमारा बहुत बड़ा एक स्ट्रेस बन रहा है, जो कि हमारे जो शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं एड्रेनर्जिक हार्मोन्स, उनको रिलीज करता है। ये अपने आप में एक ऐसी अकस्मात कार्डियक डेथ का कारण हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर फिटनेस प्रोग्राम, प्रॉपर सोना, स्लीप, जब मैं पहना भूल गया था, प्रॉपर स्लीप होना भी अच्छे स्वास्थ्य का बहुत जरूरी है। 7 to 8 hours ऑफ डेली अनइंटरप्टेड स्लीप एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। देखा गया है आधे से ज्यादा बच्चे जो आईटी वर्ल्ड में घुसे हुए हैं, उनको रात को रात भर बैठ कर काम करना पड़ता है। आप ये तो नहीं कि इंसान रात को काम करना बंद कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए कोई ना कोई कंपनसेशन जरूर किए जाएं, ताकि शरीर स्वस्थ रह सके। अगर हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो हम अनचाही मौतों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बहुत ही बेहतर तरीके से दर्शकों को समझाने के लिए। तो अपने दिल का और अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें, डॉक्टर नरेश चावला से आपने जाना, बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने समझाया है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस, बदलता हुआ लाइफस्टाइल जिसमें हम जा रहे हैं उसे हम दूर करें, अल्कोहल स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बचें। इसके अलावा हर साल अपने दिल का टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये जो एकदम से हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं उनको रोका जा सके और अपने आप को स्वस्थ रखा जा सके। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।